नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिले। आज बात करेंगे भारत में हो रहे लगातार ट्रेन दुर्घटनाओं की, जिसके तार अब आतंकियों से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट से लेकर गुजरात के अक्षरधाम मंदिर ब्लास्ट तक में शामिल आतंकी फरतुल्ला गौरी खुलेआम कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि रेलवे लाइनों, पेट्रोल पाइपलाइनों पर हमला करो ताकि भारत में अराजकता फैलाई जा सके। इस आतंकी के वीडियो वायरल होने के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि कहीं भारत में एक के बाद एक हो रहे ट्रेन दुर्घटनाओं के गुनहगार आतंकी तो नहीं। वैसे पाकिस्तानी साजिश के बारे में शक और भी पुख्ता तब हो जाते हैं जब भारत में रेल पटरियों पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें प्राप्त हो रही हैं जिसके बाद ये माना जा सकता है कि रेल दुर्घटनाओं का पहला कारण साजिश है। टेलीग्राम पर जारी फरतुल्ला के वीडियो के अनुसार वो दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में ट्रेनों को पटरी से बेपटरी कर देना चाहता है, जिसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ चुकी हैं। वैसे भारत में बीते कुछ दिनों में कई ऐसे रेल हादसे हुए हैं जिससे भारी जान माल का नुकसान हुआ है, साथ ही कुछ दुर्घटनाओं को रोक लिया गया क्योंकि वक्त रहते रेल पटरियों पर मौजूद संदिग्ध सामान हटा लिया गया या उनकी वजह से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस वीडियो को गंभीरता से लिया है और रेलवे सुरक्षा बलों को अलर्ट जारी किया है। रेलवे प्रशासन ने भी यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। इस बीच पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसियों ने कहा है कि फरतुल्ला गौरी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी है जो पिछले कई सालों से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। गौरी ने यह भी धमकी दी है कि भारत की पेट्रोल पाइपलाइनों और रसद सप्लाई को निशाना बनाकर ध्वस्त किया जाएगा। आतंकी चाहता है कि भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिगड़े जिससे भारत के लोग परेशान हो, जिसके बाद अब भारतीय रेलवे ने लोगों से आग्रह किया है कि सुरक्षा के लिए जागरूक रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें।